दोस्तों नमस्कार, मैं अमरेंद्र कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरी पाठशाला। इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पटना हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील नहीं करने का फैसला किया है, जिसमें NIOS DELED को शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मान्य घोषित किया था। MHRD ने NCERT को इस बारे में निर्देश जारी कर दिया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इस फैसले से उन 15 लाख शिक्षकों को लाभ मिलेगा जिन्होंने 18 महीने के DELED कार्यक्रम के तहत यह पाठ्यक्रम किया था। ये शिक्षक अप्रशिक्षित थे और RTE कानून के चलते उनकी नौकरी जाने का खतरा बना हुआ था। क्या था पूरा मामला? विदित हो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS ने लगभग उन 13 लाख शिक्षकों को 18 महीने के DELED कार्यक्रम के तहत कोर्स कराया था, जो बिहार निजी स्कूलों में अध्यापन का कार्य कर रहे थे। इसके लिए बाकायदा संसद में कानून पारित कर विशेष रूप से मंजूरी भी ली गई थी। जब बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकली, तो यह कोर्स करने वाले बिहार के निजी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों ने भी इनके लिए आवेदन किया। तो बिहार सरकार ने NCERT से इस बारे में राय मांगी कि क्या ये शिक्षक भर्ती के लिए योग्य हैं। इसके जवाब में NCERT ने 18 माह के DELED को अमान्य करार दे दिया। इसके बाद ये शिक्षक पटना हाई कोर्ट चले गए और वहाँ इसके खिलाफ अपील कर दी। हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में इस कोर्स को नई नियुक्ति के लिए भी मान्य घोषित कर दिया। बिहार बोर्ड DELED में प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन 28 मार्च को करेगा। इसके राज्य के प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करने का फैसला कर लिया है। यह शिक्षकों के लिए बहुत ही खुशी की बात है और जो DELED किए हैं उनके लिए यह राहत की बात है कि 18 महीने के कोर्स होने के बावजूद भी अब वे नौकरी के लिए, बिहार में जो नौकरी के लिए अप्लाई होगा उसमें आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते रहते हैं आपके लिए इसी प्रकार के नए नए और जानकारी भरी महत्वपूर्ण वीडियो। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए मिलती जाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।